मेहनत पर भरोसा। अनूप और कल्पेश दो अच्छे दोस्त थे। वह दोनों एक ही कक्षा में साथ में ही पढ़ते थे। पढ़ाई में दोनों ही बड़े होशियार थे। पढ़ाई करना उनका पहला काम था। अन्य चीजों पर वह बाद में ध्यान देते थे। पढ़ाई में उन दोनों का मुकाबला रहता था। कभी अनूप प्रथम आता तो कभी कल्पेश। दोनों में वह बताना मुश्किल था कि पढ़ाई में कौन आगे है। दोनों को उनके क्लास टीचर भी बहुत चाहते थे। क्लास के सभी बच्चे उन दोनों का बहुत आदर करते थे, क्योंकि वे दोनों पढ़ाई में होशियार होने के साथ ही इतना दयालु और नम्र स्वभाव के थे। कक्षा 8 की परीक्षा हुई। दोनों ने जमकर परीक्षा दी। परीक्षा का रिजल्ट भी घोषित हुआ। इस बार का परीक्षा में अनूप और कल्पेश तो क्या, क्लास के सभी बच्चे और खुद अध्यापक भी हैरान रह गए थे। हर परीक्षाओं में तो अनूप और कल्पेश लगभग साथ साथ ही रहते थे। मतलब कभी अनूप कल्पेश से 10-15 मार्क्स से आगे रहता तो कभी कल्पेश अनूप से। मगर इस बार ना जाने क्या हुआ कि कल्पेश ने अनूप से लगभग 50 मार्क्स से बाजी मार ली। परीक्षा के रिजल्ट के बाद दोनों स्कूल से घर लौट रहे थे। अनूप ने कल्पेश से कहा, क्यों कल्पेश, इस बार तो तुम मुझे बहुत पीछे छोड़ गए। मेरा ऐसा भाग्य कहाँ जो तुम्हारे मार्क्स पा सकूं? नहीं अनूप, ऐसा तो नहीं, मुस्कुराता हुआ कल्पेश बोला। वह अपनी प्रशंसा सुनकर फूला नहीं समा रहा था। मन ही मन उसे अपने क्लास में सबसे अधिक मार्क्स से पास होने एवं अनूप के द्वारा प्रशंसित होने से कल्पेश के मन में अभिमान जाग उठा। घबंड में कल्पेश के मन मस्तिष्क पर ऐसा बुरा असर छोड़ा कि वह पढ़ाई धीरे धीरे विचलित होता जा रहा था। क्लास में जब शिक्षक पढ़ाने लगते तो वह दूसरे बच्चों से बातें करने लगता। एक दिन शिक्षक इतिहास पढ़ा रहे थे। तीसरी पंक्ति में बैठे कल्पेश को बगल में एक लड़के से बातें करते देख शिक्षक ने कल्पेश को बहुत डांटा और छड़ी से उसे पीटा, और फिर उन्होंने पढ़ाना जारी रखा। इस सजा से कल्पेश का क्लास में बातें करना तो बंद हो गया, परंतु पढ़ाई पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह घमंड में आकर अनूप से भी कम बोलने लगा। धीरे धीरे परीक्षा आने लगी। क्लास के बच्चे जी जान से पढ़ाई में लग गए थे। कल्पेश बहुत ही आराम में था, क्योंकि उसे पता था कि क्लास में पहला नंबर उससे कोई नहीं छीन सकता है। परीक्षा हुई। कुछ दिनों बाद परीक्षा का रिजल्ट आ गया। इस बार अनूप क्लास में सबसे पहला आया था, जबकि कल्पेश इस बार अपना परीक्षा का रिजल्ट देखकर चौंक पड़ा। वह परीक्षा में फेल था। कल्पेश की अपनी करने का फल उसे मिल चुका था। मोरल ऑफ द स्टोरी, दोस्तों जिंदगी में हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा करो। ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दें, ताकि ऐसी ढेर सारी रोचक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें सबसे पहले। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नई शिक्षा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।